वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आज हम अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर सोशल साइंस में हिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। मैंने अपने थर्ड लेक्चर के अंदर दो टॉपिक डिस्कस किए थे, द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। उसी एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास के अंदर एक वर्ड आया था बेटा लिबरल नेशनलिज्म। अब हम यहां पर वही टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं जिससे आपकी ये समझ में आ जाए कि लिबरल नेशनलिज्म कौन है। द आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। उसने कहा है कि नेशनल यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप जो है उसके अंदर एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई, एक सोच डेवलप हुई लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है उसका मींस फ्रीडम है, और फ्रीडम कैसा, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। और दूसरा लिबरलिज्म का मींस है उसी के साथ साथ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्विटी ऑफ ऑल द लॉज। जितने कानून बनाए जाए वो भी यूनिफॉर्म हो और हर एक सिटीजन ऑफ ए नेशन को उसके राइट, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रीनेस हो, उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो किसी भी राइट को एक्स्ट्रा यूज करने का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का कोई प्रेशर हो। तो उसने कहा है कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म इज ट्रू टू फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। एक इंडिविजुअल के अंदर लिबरलिज्म हो और जो लॉ मेकअप किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए मेकअप करने के बाद वो यूनिफॉर्म। इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज़ द ग्रांटेड एक्सेस टू प्रॉपर्टी ओनिंग पर्संस। क्या कहा गया कि फ्रांस के अंदर राइट टू वोट का राइट दिया गया और इस बात को ग्रांट किया गया, परमिट किया गया कि आपका जो राइट है आप उसे यूज कर सकते। और दूसरी तरफ क्या कहा गया, एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन। ये राइट जो है वो किसी प्रॉपर्टी के बेस पर नहीं है, किसी ओनरशिप के बेस पर नहीं है, ये राइट यूनिफॉर्म है। हर एक सिटीजन ऑफ ए नेशन जो फ्रांस के अंदर है, जो उप फ्रेंच है, वो चाहे बाय बर्थ फ्रेंच हो या वो माइग्रेट होकर आया हो और उसे सिटीजनशिप मिली हो, तो उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है। उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसके पास किसी फर्म की ओनरशिप हो या ना हो, इसे कोई कंसर्न नहीं। इसलिए कहा गया कि जो लॉ बनाया गया, जो राइट दिए गए,
is applicable for all the citizens of a nation. Men without properties and women were excluded from this right. क्या कहा गया कि जो लोग प्रॉपर्टी के विदाउट हैं, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेन सेक्शनल सोसाइटी के पास, एंड वुमेन पर एक्सक्लूडेड भी फ्रॉम दिस राइट, तो वो मेन वो वुमेन दोनों इस राइट से अलग है. इन द इकोनॉमिक स्फीयर अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो ये तो लिबरलिज्म क्या हो गया, सोशल लिबरलिज्म हो गया कि हमने अधिकार दिए हैं, हमने राइट दिए हैं, देन यू न्यू. लेकिन अगर लिबरलिज्म को हम दूसरे पॉइंट से सोचें, क्या कहा गया, इकोनॉमिक स्फीयर के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म for the freedom of market and the abolition of the state, impose restrictions on the movement of the goods and the capital. क्या कहा गया कि economic sphere के हिसाब से अगर हम मानते हैं तो liberalism वो है, वो आजादी है कि जिसे एक customer के रूप में, एक consumer के रूप में इतनी freeness हो कि वो किसी भी market से कोई commodity purchase कर सके, और जो उस पर इंपोज किया गया है, एबोलिशन ऑफ द स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, और जो उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है कि तुम अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हो, तुम अपने ही स्टेट के अंदर परचेज कर सकते हो, उसके मूवमेंट जो है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया, इससे भी उसे आजादी हो, ये इकोनॉमिक स्फीयर के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म. क्यों? वो इसलिए कि वो सिटीजन ऑफ ए नेशन है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंडिया का, तो इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स, इंडिया के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है कि यूपी स्टेट का पर्सन जो है वो राजस्थान स्टेट के अंदर जाकर अपनी कम्युनिटी को परचेज सेल नहीं कर सकता. कोई कंज्यूमर अगर उत्तराखंड का रहने वाला है स्टेट का, तो यूपी से परचेजिंग नहीं कर सकता, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. और उसको भी एबोलिश किया जाए अगर कोई रेस्ट्रिक्शन किसी कंट्री के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि ये अगेंस्ट ऑफ लिबरलिज्म है. ये कस्टमर को, ये कंज्यूमर को आजादी प्रोवाइड नहीं करता, ये उसे रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके वे के अंदर हिंड्रेंस को क्रिएट करता है. इन 1934 ए कस्टम यूनियन और द सोवियन वर फॉर्म. एक यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है आपके सामने, बहुत ध्यान सुनिएगा कि यहां पर एक वर्ड मैं लिया सोवियन, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और सोवियन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द सोवियन, द टर्म सोवियन रेफर्स टू, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में. तो यहां पर उन्होंने कहा है कि 1834 के अंदर एक यूनियन बनाई गई, कस्टम यूनियन, उसका नाम सोवियन रखा गया, और उसने क्या फॉर्म किया, विच एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जो पीजेंट्स के ऊपर, स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किए जाते थे, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, वो भी उस कस्टम यूनियन के थ्रू एबॉलिश कर दी गई. सोवियन को जो कस्टम यूनियन है उसे इसीलिए डेवलप किया गया 1834 के अंदर कि वो अब पीजेंट्स के ऊपर से, स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर से जो इंपोज किए गए हैं टैरिफ पॉलिसीज उनको रिमूव, तब वो लिबरल होंगे, तब वो आजाद होंगे अपने गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए. और दूसरा क्या कहा गया, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू. और ये बात कही गई कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन हटाया जाए कि आप किसी कमोडिटी को अगर सेल और परचेज नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ अपनी करेंसी को आप उसे यूज भी नहीं कर सकते. तो दोनों ही 1834 के अंदर सोवियन कस्टम यूनियन के अकॉर्डिंग दोनों चीजों को रिमूव किया गया.
पहली चीज रिमूव की गई कि आप फ्री हैं इस इकोनॉमिक स्फीयर से कि आप जो है अपनी कमोडिटी को सेल और परचेज कर सकते हैं। दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये रिमूव की गई कि आप फ्री हैं उस चीज के लिए कि आप कोई करेंसी अपनी को अलग स्टेट में जाकर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म यूज किया है, उसको डिक्टेट किया है, उसको डिस्कस किया है। आप इस चीज को बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए कल पर। थैंक यू।